मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में तनाव फैला हुआ है। यहां सिटी कोतवाली टीआई अमित सोनी पर लूट के आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में सोनी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिले के निजी नर्सिंग होम में ले जाया गया। यहां से उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही आईजी संतोष कुमार और डीआईजी सुशांत सक्सेना मौके पर पहुँच गए हैं। इस हमले का कनेक्शन 27 जून की रात 8 बजे मंदसौर के दलौदा में हुई लूट से है। इस घटना में 3 बाइक सवार बदमाशों ने हार्डवेयर व्यापारी अली असगर बोहरा की दुकान पर धावा बोलकर 2 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की थी। पूरी टीम स्प्रेड आउट थी। आकस्मिक उसमें टीआई साहब के सामने जो मेन सस्पेक्ट था वो आ गया था। जब उसको बहादुरी पूर्वक टीआई साहब ने उसको अपने कब्जे में हिरासत में लेने की कोशिश करी, उसको कब्जे में पकड़ भी लिया था, बट पीछे से उसके साथियों ने किसी ने आके उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। टीआई साहब की कंडीशन अभी स्टेबल।